गया। हाँ गया। हाँ हाँ, नारायण नारायण आंटी। नारायण 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 नारायण। थैंक यू बेटा। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, मैं हाँ जी हाँ ना जी, आपको रिकॉर्डिंग शुरू फर्स्ट हो का गया, नो आंसर कर वरीज। देती हूँ। ठीक ठीक है है, ठीक। ठीक है, हम शुरू कर देंगे। नारायण नारायण वो अभिमान, क्या दिखा रहा है वहां पर? रिकॉर्डिंग नारायण इन क्लाउड, नारायण 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 रिकॉर्ड। नारायण कुछ भी। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना? हाँ जी यस हाँ इट्स जी, डन। आप बस आप जाओ, आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, हो गया। उसको थोड़ा फ्लू सा हो रखा है। हाँ जी ठीक है, तो मेरा वेट कर लेते हैं, आज कितने दिनों के बाद हुआ, 1 मोर मिनट वेट कर लेते हैं, शुरू कर लेंगे फिर, नहीं तो शुरू करना है तो कर लेंगे, रिकॉर्डिंग तो होती है ना। इज दैट ओके प्रियंका बेटा, शुरू जी कर लो टाइम पर? ठीक है चलो, फिर बिगनिंग वाले बोल दो। पीएसएन। हम किष्किंधा कांड शुरू करेंगे आज। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जांचे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। किष्किंधा कांड। हम शुरू श्री गणेश आए वो सब बोल के सिर्फ पहले जो श्लोक है उसकी हिंदी पढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंद कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर वर्ण एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। तो हम देखते हैं कि अब तक हमने 3 सोपान कर लिए। तो पहला सोपान था बाल्ट कांड, दूसरा था अयोध्या कांड और तीसरा था अरण्य कांड। तो हमने देखा कि अरण्य कांड में बहुत सुंदर कांड है, कितने गुड मीनिंग है, छोटा सा कांड है बट बहुत ही सुंदर है। एंड हमने देखा माता सीता जी को रावण चुरा के ले गए हैं, अब उसकी खोज में निकले हैं। उनको माँ शबरी ने बोला है, पंपा आप पंपा तालाब की ओर जाइए, है ना, पंपा सागर ऐसे उन्होंने बोला है। तो उधर जा रहे हैं वो, एंड वहां पे अब हम, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। हनुमान जी का तो नाम भी नहीं लिया था, है ना, सुग्रीव का नाम लिया था बट, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो हमारे हनुमान जी के एंड प्रभु का मिलन हो रहा है आज पहली बार, है ना, आज वो देखेंगे, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। तो इतना सुंदर है, देखो जो पहले 3 सोपान है, जो हाँ भी तुलसीदास जी शुरू करते हैं, वो सबसे पहले शिव भोलेनाथ एंड माता की पूजा करते हैं, शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, उनकी स्तुति करते हैं, उसके बाद राम जी की स्तुति होती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पहले राम एंड लक्ष्मण जी की स्तुति से शुरू कर रहे हैं, प्रभु राम एंड लक्ष्मण जी से, क्योंकि अब क्या है, अब जो हमारे भगवान शिव भोलेनाथ है वो सेवक के रूप में आ गए हैं, है ना, हनुमान जी है ना, सेवक के रूप में आए हैं, इसीलिए अब उनकी स्तुति पहले नहीं करेंगे। तो अब जो स्तुति है पहले, सबसे पहले भगवान की, श्री प्रभु राम एंड लक्ष्मण जी की हो रही है। अगर आप ध्यान देंगे, इवन राम जी से पहले लक्ष्मण जी की स्तुति हो रही है, आप ये है तो इसमें आप देखेंगे कि कुंद पुष्प रचना हो गया, ठीक, राम राम रचना, वो हाँ रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। थैंक यू, हाँ सॉरी आई थैंक नो यू तुम बाहर कृष्णा। हो। नहीं, वो एक्चुअली हम लोग ये कॉस्को में टायर चेंज के लिए आए थे, वहां पर। कोई बात नहीं कोई बात हाँ नहीं, ठीक। वो हो गया, गीता ने ऑन कर दिया था और प्रियंका ने वो शुरू कर दी रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू सो मच। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्चुअली राम जी का नाम पहले नहीं है, पहले उन्होंने कुंद पुष्प और नील कमल के समान, कुंद पुष्प कौन है, गौरी गौरी, है ना,
पहले गोरे और नील कमल के समान, इसका मतलब यह है कि पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया फिर प्रभु राम जी का नाम लिया, पहली बार ऐसे है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे इस सिंपल छोटे से श्लोका में भगवान की पांच चीजें आई हैं। फिर देखेंगे हम लक्ष्मण जी का नाम पहले क्यों लिया। देखो यहाँ पे उनका गुण आया है, उनका नाम आया है, उनका धाम, उनकी लीला, ये सब, उनका रूप, पांच चीजें आई हैं। अगर हम देखेंगे तो कैसे आई हैं, तो देखो नील कमल के समान ये उनका रूप बताया, सुंदर है ना। फिर उनके गुण बताए हैं कि अत्यंत बलवान है। फिर उनका धाम क्या है, विज्ञान धाम, विज्ञान धाम, ये धाम मतलब वो ज्ञान के, विज्ञान के धाम है, एक्चुअली विज्ञान का धाम उनमें है ना, एंड वो स्वयं विज्ञान के धाम है। फिर हम देखेंगे कि वो माया मनुष्य रूप होके खेल कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी लीला बताई गई है। तो उनका रूप, उनके लीला, उनके गुण, ये सब इसमें एक ही में बता दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहले गौर वर्ण हमारे, उनका नाम क्यों लिया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी जो है वो जीवों के आचार्य बोला जाता है उन्हें। लक्ष्मण जी को यूजली हम देखें तो हम एक सिर्फ शेषनाग समझते हैं, जी शेषनाग है, वो लक्ष्मण बन के आए हैं, वो भगवान उनकी शैया पे सोते हैं, राइट, दैट्स ऑल वी नो अबाउट लक्ष्मण। बट जो शेषनाग है हमारे, जो वो कौन है, ये जो लक्ष्मण जी शेषनाग लक्ष्मण जी बन के आए हैं, ये जो है वो कहते हैं ये जीवों के आचार्य हैं, सभी जीवों के, जस्ट हमारे नहीं। एक्चुअली बहुत सारी कथाएं भागवतम में जगह जगह पे आपको मिलेगी, जिसमें वो वहां पे हमारे जो शेषनाग जी हैं ये वो शिक्षा दे रहे हैं साधु संतों को, ब्राह्मणों को, सबको, देवताओं को भी, जगह जगह इनको शिक्षा देने वाला बोला गया है। तो इनको जीवों का प्रथम आचार्य बोला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे इस विशेष कांड में जिसका नाम है किष्किंधा कांड। देखो इससे पहले उन्होंने, अगर आप देखेंगे, नाम लिखे हैं सोपान, क्योंकि सात सीढ़ियां बताया है ये। एक तालाब है रामचरित मानस, मानस एक तालाब है जिसकी सात सीढ़ियां हैं। तो तीन, पहले तीन सोपान का नाम उन्होंने सोपान रखा था, यहाँ पे उन्हें किष्किंधा कांड बोला है। किष्किंधा जहाँ पे, किसकी नगरी है ये, बाली एंड सुग्रीव की नगरी है ना, तो इसीलिए उसका किष्किंधा कांड उन्होंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे जो शेषनाग हैं, जो लक्ष्मण जी हैं, उनका काम, वो आचार्य हैं, तो वो आचार्य बन के क्या करते हैं, वो आचार्य बन के हमको प्रभु से मिलाते हैं। एक ही काम है उनका, प्रभु से मिलाना। रिमेम्बर जब बलराम बन के आते हैं तो भी एक ही काम है उनका, एक ही काम होता है। जब जब भगवान आते हैं वो साथ में, वो चाहते हैं मैं भी साथ में अवतार लूं और भगवान की किसी ना किसी तरीके से सेवा करता रहूं और बाकी सबको शिक्षा देता रहूं, बताता रहूं ये कौन है। अब पूरी रामचरितमानस में देखते हैं उनके पीछे पीछे घूमते हैं, कैसे परशुराम जी को गुस्सा करके बता रहे हैं ये राम कौन है ना। तो उनका यही काम है, सो वो आचार्य का काम करते हैं, क्या, हमें भगवान से मिलाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जब सुग्रीव से गलती हो गई तो वो भूल गए, तो सुग्रीव को किसने शिक्षा दी, जाके इन्होंने दी ना, इन्होंने फिर मिलाया भगवान को, क्योंकि भगवान ने भी खुद कहा था ना वो मित्र है मेरा, उसको प्रेम से बुला ला, ले आना मेरे पास। एंड फिर कितने प्यार से देखो सुग्रीव आगे हो के लक्ष्मण जी के साथ चल रहे हैं, उसके बाद सुग्रीव से कभी गलती नहीं हुई। तो हम बीच बीच में और इसका डिटेल में बताएंगे कि क्यों इनको आचार्य बोला जाता है। अभी स्टोरी यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं, जब जब बीच बीच में मौका मिलेगा और बताती जाऊंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर एवं श्याम वर्ण वाले अत्यंत बलवान, सुंदर है। देखो कई बार कोई बहुत सुंदर होता है, कोई जरूरी नहीं वो बलवान होगा, कमजोर भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, बहुत सुंदर है, एंड सुंदर होने के साथ साथ वो बलवान भी है। तो ठीक है, कोई सुंदर हो सकता है, बलवान हो सकता है, लेकिन ये भी थोड़ी अकल की कमी है, बड़ा अभिमानी है, अहंकार में रहते हैं, ये भी तो होता है ना, जो सुंदर भी होते हैं बलवान भी होते हैं, उनको अपना दूसरा अहंकार होता है, हमारे जैसा कोई है नहीं। बट कहते हैं नहीं, नॉट ओनली वो सुंदर है, बलवान भी है, उसके साथ साथ विज्ञान के धाम है, देर इज नो ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अहंकार और एनीथिंग इन देयर, कोई वीकनेस कुछ नहीं है। एक सेकेंड जरा,
तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद बोला शोभा संपन्न, तो वो नेचुरली जो सुंदर होगा, जो बलवान होगा, जो विज्ञानी होगा, मतलब जो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, तो वो शोभा संपन्न तो अपने आप ही होगा, है ना। एंड उसके बाद श्रेष्ठ, अब वो सब क्या है और कैसे पता चले कि वो बलवान है, तो उन्होंने बोला श्रेष्ठ धनुर्धर। और कितना मतलब वो ऐसे ऐसा उन्होंने धनुष धारण किए हुए हैं जो आम बंदा तो हिला भी नहीं सकता। रिमेम्बर, जो धनुष उन्होंने तोड़ा था, पर जो भगवान शिव का, कोई उसको हिला भी नहीं सकता था, है ना, वो धनुष भगवान जी। उसके बाद कौन सा धनुष धारण किया है उन्होंने, जो कोदंड है, जो उनको परशुराम जी ने दिया था। रिमेम्बर, फिर परशुराम जी ने कहा था कि यह धनुष विष्णु भगवान जी का है, अगर आप इसको उठा सको तो मैं समझूंगा कि आप, है ना, अवतार है भगवान का। तो श्रेष्ठ धनुर्धर धारण किए हुए हैं दोनों ने धनुष, एंड वेदों के द्वारा वंदित है। हमारे जो प्रभु हैं उनकी स्तुति वेद भी करते हैं, है ना, ये मतलब है। उसके बाद बोला गो एवं ब्राह्मणों के समूह, अगर हम ऊपर देखें तो गो विप्र वृंद, वृंद होता है झुंड के झुंड, तो दैट मीन्स गो एवं ब्राह्मणों के समूह प्रिय अथवा प्रेमी, दोनों तरफ से हैं, भगवान को ब्राह्मण एंड गो दोनों प्रिय हैं, गोए गाय को एंड ब्राह्मणों को भगवान बहुत प्रिय है। तो एक एक दो ब्राह्मण नहीं, झुंड के झुंड ब्राह्मण, दैट मीन्स सभी ब्राह्मणों को भगवान प्रिय है ना। एंड फिर आए यहाँ क्या कर रहे हैं, जंगल में क्यों जगह जगह आप ऐसे फिरते हैं बेचारे, ना पाँव में जूते, ना शरीर पे कपड़े, ना रहने की कोई कुटिया, क्योंकि इधर उधर चल रहे हैं ना, अब तो वैसे भी माता सीता की खोज में है, तो देर इज नो कुटिया भी बनाई नहीं इन्होंने कहीं भी, कैसे बनाएंगे, वो तो आगे 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 चलते जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, तो ताकि किसी को पता ना चले इनके अवतार का कारण क्या है। बहुत से कारण थे, हमने देखा कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं एक थोड़ी कारण होता है, कितना समष्टि के कारण होते हैं, एक व्यष्टि कारण से तो नहीं आता ना, समष्टि के कारण। पहले देखो कितने पुण्य उन लोगों ने किए होंगे जिस समय भगवान जी हमारे थे, जिनको उनके दर्शन हुए, इवन पशु पक्षी भी, कहते हैं झाड़ियों तक भी, हर एक ने कितने पुण्य किए होंगे कि उनको उस समय रोल मिला जब भगवान जी आ रहे हैं, है ना, भगवान जी आए हैं। तो वो कहते हैं कि देखो माया, ताकि हर कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन ये नहीं मतलब, जिसने भगवान को एक बार देख लिया उसका तो कल्याण होना ही है ना। एंड श्रेष्ठ, कहते हैं श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप, मतलब हम कवच पहनते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कवच पहनते हैं ना, धर्म किसका कवच पहनता है, भगवान का कवच पहनता है। इवन जब हम दुर्गा कवच लें, या हम जो श्री हरि का कवच है ना, उसका क्या नाम है, उनका भी जो कवच है वो पढ़े, तो वो एक इस अंग में भगवान ये देखो हम राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ते, उसमें भी यही कहते हैं ना, ये भगवान मेरे इसकी रक्षा करें, ये इसकी रक्षा करें, वो कवच ही तो है ना पूरा। तो वो जो कवच है वो देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अंगों की भगवान डिफरेंट डिफरेंट रूप में भगवान रक्षा करते हैं। तो जो धर्म है हमारा उसका कवच कौन है, भगवान हिमसेल्फ, है ना, नहीं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, भगवान हिमसेल्फ धर्म के कवच है, तभी यहाँ पे लिखा है ना श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, तो सबके हितकारी, तो नेचुरली भगवान तो सबके हितकारी है ही, इसीलिए उन्हें सुहृद बोला जाता है, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, है? तो ऐसे पैदल चल रहे हैं, माता सीता जी की खोज में हैं दोनों भाई, तो सीता जी की खोज में हैं दोनों भाई। तो वो मैंने एक ना बुक ढूंढ रही थी, आपको दिखाना चाहती थी पिक्चर, वो हमेशा मेरे पास है, हाँ ये बुक, ये देखो ऐसे ऐसे मिले हैं हमें हनुमान जी को भगवान, है ना, दोनों कैसे श्रेष्ठ धनुषधारी चल रहे हैं, एंड ऐसे भगवान जी के दर्शन हुए। अब देखो ऐसे वो पथिक बन के चल रहे हैं, लेकिन तेज देखो उनका, तभी तो हनुमान जी ने एकदम पहचान लिया ना। तो जिसका जितना मन शुद्ध हो, कितनी भी माया को वो धारण करके चल रहे हैं, दो ही बंदे हैं जिन्होंने एकदम से पहचान लिया, वो थे महाराज जनक एंड हनुमान जी। उन दोनों की सेम क्वेश्चन थे देख के, अभी हम आगे देखेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि सीता जी की खोज में लगे हुए, पैदल देखो कैसे चलते जा रहे हैं रास्ते में पथिक के रूप में, पर कहते हैं रघुकुल के श्री श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति परायण हैं।
कैन यू बिलीव दैट, तो वो क्या बांटते जा रहे हैं भगवान, जगह जगह पे, जगह जगह पे, जगह जहां जहां जाते हैं, जैसे भक्ति की वर्षा करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुलसीदास जी को भी मौका मिल गया कि ये जा रहे हैं, अभी अभी इन्हें परम इनके भक्त मिलने वाले हैं, तो मैं भी इनसे भक्ति मांग लेता हूँ हम सबके लिए। जो भी कोई इसे स्तुति गाएगा वो सबको भक्ति प्रदान होगी ना, नॉट ओनली जस्ट तुलसीदास जी के लिए या के एनीबडी हु सिंग दिस, एनीबडी इवन हिंदी का भी अनुवाद ऐसे कर ले, सुन ले, गा ले, सबको भगवान भक्ति प्रदान करेंगे, है ना। तो आगे वाला श्लोक का पढ़ते हैं। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। तो वो कौन धन्य है जो वेद रूपी समुन्दर के मथने से उत्पन्न, कहते हैं ऐसे वेदों में से, अब मुझे स्टोरी याद नहीं आ रही, कहीं तो मैंने पढ़ी थी कि वेदों में से जब कुछ 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 बांटा गया ना सब देवताओं ने, उन्होंने ये मैं ये ले लूंगा, कर्म कांड का ये पार्ट, उसका ये पार्ट, उसका ये पार्ट, तो जब बारी आई इनकी शिव भोलेनाथ जी की, आपको क्या लेना है, तो उन्होंने बोला बस मुझे तो एक ही शब्द चाहिए, क्या राम, और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने राम शब्द चूज किया। तो क्या है ये राम, क्या है वेद रूपी समुद्र से जो मंथन हुआ, वेद रूपी समुद्र का जो मंथन हुआ, जो उसमें से अमृत निकला, रिमेम्बर जब समुद्र मंथन में से अमृत निकला ना, अमृत के लिए तो सारा समुद्र मंथन हुआ था, यहाँ वेद रूपी समुद्र के मंथन में से क्या निकला है, राम नाम रूपी अमृत। एंड उसका पान कौन हर समय करते रहते हैं, हमारे भोलेनाथ जी, है ना, हमेशा राम नाम का अमृत पान वो करते रहते हैं। तभी तो वो इवन हनुमान जी के रूप में भी तभी यही आता है ना, प्रभु चरित्र सुनि भी को रसिया, है ना, उनको तो एक ही चीज से रस मिलता है, वो ही उनके लिए अमृत है। तो यहाँ पे ये देखेंगे शेष, तो आगे वाला पढ़ते हैं 16। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु और कौन है। तो यहाँ पे ना एक और बात आती है, ये जो 700 पान है ना, मैं ज्यादा इसमें जिक्र नहीं करती क्योंकि हर चीज का जिक्र नहीं करती, ये हम पहली बार कर रहे हैं ना, तो जो जो मोटी चीजें जो हमें याद रखने के लिए हमें जरूरी चाहिए, जरूरी उसी को बोला करती हूँ। एक्चुअली ये जो 700 पान है, 7 सीढ़ियां हैं, ये 7 नगरियां भी हैं जिनको हमेशा कहते हैं ना, 7 नगरियों को याद करो तो पुण्य मिलता है, मुक्ति मिलती है, अगर सुबह रिमेम्बर 7 औरतों को, 7 नगरी को। तो ये जो कांड है इसका नाम है काशी, हर कांड का डिफरेंट नाम है, हर कांड इसको डिफरेंट नगरी बोला गया है, इसको काशी, इस कांड को काशी नगरी बोला गया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कौन सा है, मुझे भी अभी याद नहीं, मैं अभी देख के बताती हूँ कि पहले दो वाले कौन कौन से थे, अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे कहीं लिखा तो है, हाँ जो पहली है अयोध्या, है ना, तो जो पहली अयोध्या नगरी, तो जो पहला है ना बालकांड, वो अयोध्या नगरी है। दूसरा जो है अयोध्या कांड, उसको मथुरा नगरी बोला जाता है। एंड जो तीसरी माया नगरी है, वो जो तीसरी रिमेम्बर अरण्य कांड, वो माया नगरी बोला जाता है, उसको चौथी को काशी कहते हैं, ठीक है। तो ये काशी नगरी है। अब काशी नगरी में क्या होता है, काशी नगरी में हमें पता है कि वहां जो भी जन्म लेता है या जिसकी भी मृत्यु होती है वो उसको मुक्ति मिलती है काशी नगरी में, चाहे उसमें जन्म हो किसी का, चाहे उसमें किसी की मृत्यु हो, क्यों, वो ज्ञान की खान बोला जाता है काशी नगरी को, यानी पापों का नाश करने वाली है। एंड ये तो ये जो कांड है ना,
ये ज्ञान पहले तो, सबसे पहले तो परम भक्त हनुमान जी का दर्शन हुआ, फिर इवन जब बाली ने मारा तो भी बहुत सुंदर वहां पे हमें शिक्षा मिली है, बाली क्या बोल रहे हैं। एंड इसके बाद जो सुग्रीव है, एक्चुअली इन सब करेक्टर्स में से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है हम सबको, वो सुग्रीव है, क्योंकि एक साधारण जीव है हमारी तरह से, ग्रस्त में फंसे हुए हैं, अभी उनको मोह है अपने पत्नी का, बच्चों का, राज्य का, है ना। तो वो कैसे इन द एंड उनको भगवान से मुक्ति मिलती है, भगवान की और उनकी कोई बराबरी नहीं है, फिर भी हनुमान जी उनको भगवान के सखा बना देते हैं। अरे सखा तो बराबरियों में होती है ना, कुछ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सुदामा बहुत गरीब थे, कृष्ण बहुत अमीर थे, लेकिन एटलीस्ट एक स्कूल में तो पढ़े थे ना, वो स्कूल के सखा थे, कहीं ना कहीं से तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसे सखा बने। ये तो कभी मिले नहीं, कभी सेवा नहीं की, कभी कुछ नहीं, तो एकदम से सखा कैसे बन गए। वो हनुमान जी की कृपा है ना। तो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी बोलते हैं कि जिस भीषण हलाहल को, जो इतना भीषण हलाहल था, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय भगवान शिव ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि भगवान शिव को तो पता था इन द एंड जो भी हमारे प्रभु विष्णु करवाने वाले हैं, वो अमृत तो नहीं देंगे राक्षसों को, वो तो देवताओं को ही मिलेगा। एंड लेकिन अमृत मंथन विदाउट राक्षसों की सहायता से नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है कि राक्षसों को कुछ नहीं मिला। प्रियंका बेटा आप इंदु जी को म्यूट कर सकते हो। हाँ थैंक यू। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको राक्षसों को कुछ नहीं मिला, उनको भी बहुत कुछ मिला। और उनके तो जो गुरु थे ना, उनके गुरु तो वो थे जो हाँ उनके क्या, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास तो वैसे भी वो था ना, उनको संजीवनी मंत्र आता था भगवान शिव का, तो वो तो उनको वैसे भी जला सकते थे, जिंदा कर सकते थे, है ना। तो अब क्या है ना, वहां पे शिव भोलेनाथ ने कहा कि देखो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट मैं ऐसा आई विल बी राउंड समवेयर नियर बाय, तुमको अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, समझ गए ना। वो आसपास आसपास डेरा लगा के बैठे रहे, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ तो वो हैं जिन्होंने सबको आश्रय दिया, भूत प्रेत कोई कैसे भी गण है, चाहे वो राक्षस है, कुबेर है, यक्ष है, कितने भी हैं, सब सबको उन्होंने आश्रय उनको दिया, जिनको कोई नहीं चाहता है ना, इसीलिए वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आई विल बी साइड बाय समवेयर आप, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट एनीवे। तो वो साइड पे बैठे हैं कैंप लगा के, जैसे ही सबसे पहले विष निकलता है तो नेचुरली सारे भागे जाते हैं, अब क्या करें, मरने को आ गए वो तो, इवन ऐसे लग रहा है कि वासुकी नाग भी उससे मर जाएगा, इतना भयंकर विष वहां से निकल आया है। तो अब कौन क्या करें उसको, तो विष्णु भगवान जी से प्रार्थना की गई, उन्होंने बोला जाओ शिव भोलेनाथ के पास, तो हमको पता है। तो शिव भोलेनाथ ने बोला कि अच्छा क्यों आए हो यहाँ, तो नेचुरली उन्होंने बताया, अच्छा तो ठीक है, एंड माँ हमें पता है माँ पार्वती अग्री नहीं होती हैं, तो वो उनको बोलते हैं तो इतनी इतना सा विष के लिए चिंता कर रही हो, मैं तो सारे के सारे ब्राह्मण पी जाऊंगा विष समेत, क्या जो भी है उसमें कुछ नहीं होगा मुझे, तुम तो चिंता मत करो। अब ये आ रहे हैं, आए हैं उस स्थान पे, ऐसे सब लोग ऐसे बैल पे कहते चढ़ के आते हैं, तो सब लोग हैरान हो रहे हैं, अरे मतलब क्या मैजेस्टिक रूप है उनका। तो सब लोग ऐसे रास्ता देते जा रहे हैं, ये सीधा विष्णु भगवान के पास जाते हैं, क्या हो रहा है ये, बोले बस आप इनसे पूछ लीजिए ये आपकी मदद के लिए आए हैं। तो बोले तुम ये खेल हमेशा क्यों करते रहते हो, है ना, इट्स ऑल योर प्ले, विष्णु भगवान जी को ऐसे बोल रहे। बोले नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, बस आप बस कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर। तो अब फिर उस समय हम देखते हैं कि ये विष लेते हैं और सारे हर हर महादेव हर हर महादेव करते हैं, और भोलेनाथ विष पी के चुपचाप निकल भी जाते हैं, he's done, he's gone. उनका काम खत्म हो गया, विष पिया निकल गए, रुके भी नहीं वहां पे, जबकि सब लोग ऐसे थंडर हो रहा है हर हर महादेव का। वो भी हमारे लिए शिक्षा है कि तारीफ भी सुनो तो फटाफट निकल जाओ वहां से, ताकि वो खानों तक पहुंच ही ना पाए, अंदर तक ना जा पाए। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस विल से वो सब जल रहे थे, वो कहते हैं उस विष को जिस भोलेनाथ ने पी लिया, तो मैं उन शंकर को क्यों नहीं बचता, तो उसके समान कृपालु कौन होगा। क्योंकि अगर शिव भोलेनाथ के मन में राम बसते हैं,
अगर हमें राम चाहिए तो उनसे ही मिलेंगे ना। अब देखो हनुमान जी आने वाले हैं, हनुमान जी से हमें क्या मिलता है? हनुमान जी जो हैं वो रिमेम्बर हमारे वो पहले पहले आई डोंट नो जब जब से तुम लोग आए थे कि नहीं, जब पहले हुआ करती थी इंदु जी कैन रिमेम्बर कि वो हम कहते थे बाय वन गेट टू फ्री और बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे बड़ी सेलें लगती है लगा करती थी पहले, बाय वन गेट वन फ्री और बाय वन गेट टू फ्री, तो हम भाग भाग के जाया करते थे। तो ये अगर हम हनुमान जी का करते हैं तो क्या होता है, कहते भज मन भज एक एक को भजो सॉरी भज वन गेट थ्री फ्री, तो कौन है उनके मन में, तभी तो तुलसीदास जी मां कहते हैं ना राम लखन सीता सहित वसो, है ना, मेरे हृदय में वसो आके। तो वो है कि एक को भजेंगे तो तीन तीन साध में आएंगे, तो वो है हमारे भोलेनाथ जी, है ना। तो अब हम पहले एक वाला पढ़ते हैं, फर्स्ट जो दोहा तक शुरू करते हैं। सुनीता बेटा आपको सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट पे तो नहीं हो, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं प्रियंका तुम शुरू करो, अचार है आ गया अब आगे। हाँ जी कोई शायद वो हेडफोन लगाया था तो इसके लिए। नहीं, ओके श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धार कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सावले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुख सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तो हम देखते हैं कि आगे आगे चल रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच मतलब निकट आ गए, पहुंचे नहीं, ये तो ये लेके जाएंगे ना हनुमान जी वहां पे। तो हमारे वाल्मीकि रामायण में तो बताया कि बहुत भयंकर बन है ये, इतना भयंकर है, यहाँ बहुत ह्यूज बड़े बड़े हाथी रहते हैं, बड़े बड़े नाग रहते हैं, इससे बहुत ही भयंकर बन था ये। यहाँ तो कोई मतलब कोई भी प्रवेश कर भी नहीं कर सकता था, इतना भयंकर वन था ये। तो वहां पे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे हैं वो, तब क्या देखते हैं कि ऊपर बैठे हैं मंत्रियों के सहित सुग्रीव। एक जो राजा होता है उसके कहते हैं सात अंग होते हैं, सात अंग क्या होते हैं, एक तो राजा, उसके मंत्री, उसका कोष धन जो होता है, किला है ना, राजा मंत्री कोष किला एंड उसकी सेना एंड और क्या होता है, तो ये कितने हुए, छह हुए ना। एक होता है उसके जो मित्र, मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे मित्र होने चाहिए। कहते हैं उनमें से अगर दो दो भी बाकी है ना तो काम चलेगा, जैसे राजा जिंदा है, अभी राज्य तो हार गया बट ही जिंदा है, राजा है एंड उसके साथ उसके विशेष जो उसके मंत्री हैं, जो जो विशेष मंत्री वो जो लॉयल हैं, है ना, लॉयल हैं, साहसी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो सब गुणों वाले अगर मंत्री उसके साथ हैं तो सूनर और लेटर उसको उसका राज्य भी मिल जाएगा। हमारे जो सुग्रीव हैं इनके मंत्री इनके साथ हैं, तभी तो इनको राज्य मिल गया ना एंड में।
उनके कितने देखो श्रेष्ठ मंत्री हैं, बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, सब कुछ है, लॉयल भी हैं, सब कुछ है। उसमें कौन कौन था? उसमें जामवंशी थे, हनुमान जी थे, नल नील थे, ये इनके मेन मंत्री। अगर कोई और हो तो शायद मुझे नाम याद नहीं। ठीक है, तो अब ये मंत्रियों के साथ अपने ऊपर बैठे हैं। जब इन्होंने देखा कि दो क्षत्रिय लग रहे हैं और धनुषधारी ऐसे चल रहे हैं, तो उनको तो हमेशा यही भय रहता था ना कि बाले का था, एक था भी, मैंने इसको मारना है किसी तरीके से अपने भाई को जान से, बट लेकिन मार नहीं पा रहा था। तो कई बार वो किसी दूसरे को भेज देता, क्योंकि वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता था ना, हमें पता है। बाद में भी स्टोरी इसके आएगी तो डिटेल में देख लेंगे तब। तो उन्होंने फिर क्या हनुमान जी को बोला कि देख क्या कौन है, कि कोई और तो नहीं उसने भेजे हमें मारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण रूप में जामना, ब्राह्मण भी कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, जो वो ब्राह्मण जो अभी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी कौन होते हैं, जो अभी स्कूल में है, अभी विद्या प्राप्ति कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ये। वो बोले ब्रह्मचारी नहीं कि जी जो जो शादी नहीं की, वो बोले ब्रह्मचारी नहीं। यहाँ पे ब्रह्मचारी विप्र का मतलब है अभी विद्यार्थी है वो, क्योंकि विद्यार्थी बन के जाने का क्या मतलब है, वो एक गूढ़, देखो एक गूढ़ मतलब है, गूढ़ साइकोलॉजी। विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो थोड़े से चंचल होते हैं, स्पेशल कॉलेज स्टूडेंट, दे आर लिटिल बिट चंचल होते हैं, एंड वो जिज्ञासु होते हैं। वो क्वेश्चन पूछने का काइंड ऑफ, कोई भी आ जाए ना, अगर कोई साधु महात्मा आ जाए, कोई राजा, तो उनको एक क्वेश्चन पूछने का हक होता है, बिकॉज दैट्स द एज, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। अब कोई इमेजिन कीजिए, मेच्योर ब्राह्मण आया तो वो सीधे सीधे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे ना। तो इसीलिए वो विद्यार्थी मतलब बन के जाओ, एंड ऐसे जिज्ञासु बन के प्रश्न पूछना फिर उनसे कि तुम कौन हो, कैसे आए हो, राइट। तो फिर कहते हैं, तो नेचुरली उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ, उनका मन मैला हुआ, तो हम यहाँ से भाग जाएंगे सर। ठीक है, तो विप्र रूपधारी आ गए कपि वहां पे। तो आते ही सबसे पहले क्या, क्योंकि उनका मन इतना शुद्ध है ना, वो हमारे एक 14वें में आता है एक श्लोक का, इससे मुझे याद आ रहा था। उसमें उन्होंने बोला था कि जब जब तुम प्योर सात्विक बन जाते हो, तो तुम्हारे अंगों में भी, सारे अंगों में प्रकाश छा जाता है ना, कोई सत्व संग प्रकाश उपजायते करके ऐसा है ना श्लोक का 14वें चैप्टर में। तो वो कहते हैं कि अब देखो, इनके तो अंग अंग में प्रकाश छाया हुआ है। इवन दो गए थे वहां क्वेश्चन करने के लिए, सीधा ही जाके प्रणाम कर दिया इन दोनों को, है ना। तो इन दोनों को प्रणाम किया। अब दोनों को प्रणाम किया तो भगवान को थोड़ी सी हंसी तो आ गई कि हम तो क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करते, एक तो ब्राह्मण है एक विद्यार्थी है। तो सीता आके उन्होंने तो प्रणाम कर लिया, तो भगवान तो चुप है अभी। तो कहते हैं कठिन फिर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गोर शरीरा, ये तो सांवले और गोरे रंग वाले आप कौन हो, है ना, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, है तो देखने में तो क्षत्रिय लग रहे हो, तभी तो वो वेपन धारी हो ना, तभी अपने वेपन धारण करके चल रहे हैं ना। तो लेकिन कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगाम, सिर्फ भगवान से प्रेम देखो, वो नेचुरल प्रेम है ना, तो उनको लग रहा है हाय राम देखो ये इतनी भूमि कठिन है यहाँ कि ये पैदल कैसे चल रहे हैं, इनके पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, कोमल कोमल पाँव है इनके, जैसे उनके अंदर से ये भाव है ना, कितने प्योर भाव है। तो कहते कवन है तू विचरो वन स्वामी, हे स्वामी, स्वामी भी बोलता सब कुछ। तो कहते हैं तो आप वन में ऐसे भटकते हुए क्यों फिर रहे हो ऐसे, है ना, मृदल मोहर मनोहर सुंदर गाता, कहते आप तो दोनों, फिर बोलते जा रहे हैं, भगवान तो कुछ बोले नहीं, ये बोलते जा रहे हैं, क्या बोले, कहते इतने मीठे मन को हरने वाले हो आप, मृदुल और इतने मीठे, इतने सुंदर, अभी कुछ वाक्य बोला नहीं, मीठे पहले ही लगने लग गए मतलब मीठा वो लगता है ना जो प्यार आता है जिनके ऊपर बहुत, है ना। तो कहते सुंदर गाता सहत दुसे बन आपत बाता, तो कहते इतने सुंदर कोमल अंग है और आप बन में दुख क्यों सह रहे हो, है ना, दुख मतलब दुख तो उनको क्या पता कि दुख सह रहे हैं कि सुख सह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि अगर बन में ऐसे फिरे, एक तो इतना भयंकर बन, ऊपर से गर्मी सर्दी बरसात सब, ये सब क्यों सह रहे हो आप, कि तुम तीन देव माँ कोई, अभी भगवान फिर से नहीं बोलते, बोलते तुम तीनों, ऑल ऑफ ए सडन बढ़ते जा रहे आगे, बट तीनों देवों में से आप कोई एक हो, तो भगवान ने फिर कुछ नहीं बोला, नर नारायण हो बोले, नर नारायण भी भगवान का ही अवतार है ना दोनों। तो उसके बोले अच्छा, फिर नहीं बोले, बोले जग कारण तारण भव, अब फिर आगे बोलते हैं, तो कहते हैं अथवा आप जगत के मूल कारण हो और संपूर्ण लोकों के स्वामी हो, स्वयं भगवान हो, तो क्या आप लोगों को भव सागर से उतारने के लिए आए हो, तो फिर तथा पृथ्वी का भार नाश करने के लिए आए हो, तो कौन हुआ,
क्या आपने अवतार लिया, ये सब क्वेश्चन अगर हम देखेंगे। महाराज जनक जैसे ही राम लक्ष्मण घूम के आए थे ना, तो वो बैठे थे, जैसे उन दोनों को देखे एकदम खड़े हो गए सारे। और महाराज तब ऐसा आता है कि महाराज जनक जिन्होंने, वो तो पूरे जैसे निर्गुण प्रेमी थे ना, हमेशा ब्रह्म में रमे रहते थे, तो सगुण में ऐसा उनका मूर्ति पूजा वो सब ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम हो कौन, तुम मतलब यहाँ पे, तब उन्होंने, हाँ इनसे नहीं पूछा था, महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा था कि ये दोनों कोई क्षत्रिय पुत्र हैं या फिर ब्राह्मण पुत्र हैं या फिर वो पृथ्वी का भार धारण करने वाले हैं ये सब। तब तब उस समय गुरु विश्वामित्र कहते हैं ना, आपका मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो भगवान वहां पे लिखा था, भगवान मन ही मन मुस्कुराए, ऊपर से भी नहीं मुस्कुराए, मन में मुस्कुराए। और विश्वामित्र जी को पता चल गया कि भगवान उनको मन मन से, एक एक मन से मन की बात होती थी, हो रही थी कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ खेल, आज ही खत्म कर दोगे क्या, अभी इसी समय प्लीज। तो तब उन्होंने बस इतना बोल के, अरे आपका मन कभी झूठ नहीं बोल सकता, मतलब इनडायरेक्टली जवाब दे दिया। पर फिर बोला ये दशरथ के पुत्र हैं लाल, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भगवान जवाब देंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये ब्राह्मण रूप बन के आया है, हमसे अभी थोड़ा छल कर रहा है, तो हम भी उसी तरीके से बात करते हैं। तो क्या बात भगवान जी ने की, तो अब हम पहले सिर्फ पहले दो चौपाइयां पढ़ेंगे, फिर ये प्रभु पहचानी प्रयोग गई चरना, ये तो वहां स्तुति शुरू हो जाती है ना हनुमान जी की। पहले सिर्फ पहली दो चौपाइयां पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कोसल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। हाँ, तो ये जो है, तो भगवान ने फिर क्या जवाब देते हैं, भगवान कहते हैं कौशल लेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बनाए। बोले भाई हम तो कौशल देश जो है ना, जो कौश यहाँ पे कौशल देश का है, वहां से आए हैं और दशरथ महाराज जी के पुत्र हैं, ये अपना परिचय दे रहे हैं, हम पितु वचन, तो यहाँ जंगल में क्यों फिर रहे थे, उन्होंने पूछा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्हें बोला कि हम तो पिताजी के वचनों को पालन करने के लिए यहाँ जंगल में आए हैं। ठीक है, अब नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई हैं, हमारे नाम है राम एंड लक्ष्मण। ठीक है, एंड देन फिर कहते हैं, और हमारे संग नारी सकुमारी सुहाई, और हमारे साथ सकुमारी, एक सकुमारी मतलब उन्होंने कोमल इनको बोला था ना, तो वो माता को भी कि कोमल एक सकुमारी नारी थी हमारे साथ, पर क्या करें, बड़े हमें कहते हैं, हम राक्षस में, तो एक राक्षस आया मेरी पत्नी को उठा के ले गया। तो कहते हैं हे ब्राह्मण, हम तो उसको खोजते फिर रहे हैं, तो हमने तो अपना परिचय सुना दिया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा सुनाइए। तो बोले कि हमने, आपने इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे थे, हमने आपके एक एक प्रश्न का जवाब दे दिया। बोले अब आप भी बता तो दीजिए, आप हो कौन। और जैसे ही ये बोला गया, तो फिर अभी क्या है, ये जो हमारी 14वीं स्तुति है, इसका नक्षत्र है चित्र, चित्र नक्षत्र बोलते हैं इसको। तो ये स्तुति हमारी खत्म होगी यहाँ पे। ये यहाँ पे अस कहीं, मतलब अगले सेकंड दोहे के आधे तक ये स्तुति चलेगी, छोटी सी स्तुति है। तो अब आगे वाले पढ़ते हैं, सेकंड दोहे तक पहले पढ़ेंगे। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रही हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं।
मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। आगे वाला पढ़ नहीं, लो। अभी अभी यहीं तक पढ़ेंगे। तो सॉरी, ये चित्रा नक्षत्र, चित्र नहीं, चित्रा नक्षत्र की स्तुति है। मैंने चित्र बोल दिया। तो कहते हैं, प्रभु पहचाने परयो गहि चरना। अब कहीं कहीं क्वेश्चन ये आता है कि, एंड उसके बाद बोला सो सुख हो मा जाए नहीं वर्णा। अब क्योंकि उमा माँ को बता रहे हैं कि वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद ही तो हनुमान जी बन के आए हैं ना। फिर भी बोले, हम हमें जब कोई सुख मिले तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं, ना सुख का ना पेन का। हमें डॉक्टर पूछते हैं 1 to 10 तक कितना पेन है। अरे पेन हम कैसे बताएं, कोई कहेगा 7, 8, 9, लेकिन हर एक की पेन भी डिफरेंट होती है। जैसे अगर मुझे अब नी का थोड़ा थोड़ा पेन हमेशा होता रहता है, तो अब तो आदत हो गई है, तो किसी और को वही पेन शायद 3-4 तक लगे, है ना। एंड जब तक पेन है, जब तक हम कहेंगे या मे बी 6-7, किसी और को वो 8-9 भी लग सकती है। सो देर इज नो रियल टेम्परेचर। इसी तरह अगर कोई, मतलब थर्मामीटर, सॉरी, देर इज नो रियल थर्मामीटर। इसी तरह कोई कहे ये कितना सुख हुआ आप लोग को अपने बच्चे को देख के, किसी प्यारे को देख के, तो हम कैसे बताएं कितना सुख हुआ, है ना। इसी तरह से भगवान जी कहते हैं, तो कहते हैं पुलकित तन मुख आव न बचना। इतना मतलब तन के क्या रोंगटे खड़े हो गए उनके, और मुख से ऐसे वचन नहीं निकल रहे कि उनको, तो जैसे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, है ना। तो इतने खुश हैं, तो कहते हैं इतना भगवान का सुंदर वेश देख के बहुत खुशी हुई उनको। फिर बोलते हैं पुनि धरे धीरज धरी। अब थोड़ा सा अपने आप को संभाला, फिर स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की? हर्ष हृदय निज नाथ ही चीना। अपने भगवान को पहचान के उनके मन में बहुत खुशी हुई। अब क्या ऐसा आ सकता है कि भगवान को उन्होंने कैसे पहचाना? वो कहते हैं मोरे न्याय मैं पूछो साई, तुम पूछो किस कर की नाय। बोले मेरा तो, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप कौन है, ये तो न्याय है। मतलब हम तो माया, हम जीव हैं, माया में फंसे हैं। आप साक्षात सामने भी आ जाएंगे हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप तो हमारे स्वामी हो, तो आपने कैसे कह दिया मैंने आपको नहीं पहचाना। तो इस पहली बात तो ये आती है, दो क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि प्रभु को उन्होंने एकदम से कैसे पहचान लिया, क्योंकि भगवान ने ये कहा था ना मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ और ऐसे ऐसे बोला, तो इन्होंने ये कैसे पहचाना कि ये भगवान है, ये कहने का मतलब। इसमें दो चीजें बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि देखो, रिमेम्बर जब आकाशवाणी हुई थी, जब सारे देवता प्रार्थना करने गए थे, तब भगवान ने आकाशवाणी करके बोला था ना कि जी मैं तो मैं आऊंगा। उन्होंने मनु एंड शत्रुपा ने मेरी वो की थी, स्तुति की थी, वो दशरथ, मैं कौशल्या राज में राज्य करेंगे और मैं वो कौशल्या एंड महाराज दशरथ बनेंगे और मैं उनका पुत्र बन के आऊंगा, है ना। तो तब तब हमने कहा था कि यह आकाशवाणी सिर्फ दो जनों को सुनाई दी थी, किसको? शिव भोलेनाथ जी को एंड ब्रह्मा जी को। रिमेम्बर, ब्रह्मा जी ने बताया था सब देवताओं के भगवान ये कह रहे हैं, सबको वो वाणी सुनाई नहीं दी थी। एंड तब जब सब भागने लगे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा इधर आओ आप, कहाँ भाग रहे हो, अब भगवान जन्म लेंगे तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जा बानर बन के जाओ फिर, है ना, वहां जाओ, कुछ 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 भी बनो तुम। दशरथ वहां अयोध्या में भी तो रह सकते हैं, जनक नगरी में रह सकते हैं, कहीं भी, डिपेंड्स कौन कहाँ पे जन्म ले सकता है। तो वहां पे ये, वहां पे सुना था ना प्रभु जी ने, शिव भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ ने तो किसी भेंट नहीं की, तो उसी समय उनको तो पता ही, अब हाँ अच्छा जा रहे हैं, मैंने क्या सेवा करनी मुझे पता है बस। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि वो वचन उनको याद थे, जब भगवान ने कहा कि मैं कौशलनाथ का, कौशल नगरी से आया हूँ, कौशल्या दशरथ महाराज जी का पुत्र हूँ, तो इन्होंने पहचान लिया, है ना। और कहीं कहीं पद्म पुराण में या कहीं एक कोई कोई एक वो ऐसे आती है रामायण में, किसी एक और रामायण में ऐसे आता है, नाटेन अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण, इन दो रामायण में नहीं, किसी और में कैसे लिखा है या किसी पुराण में लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने वहां लिखा है कि जब ये छोटे बच्चे थे ना राम जी, जैसे रिमेम्बर जिन्होंने वो देखी है, एक कोई दूसरी रामायण बनी थी जो पहली रामायण, उसमें नहीं था ये पार्ट, उसमें आया था कि वो भगवान छोटे थे तो बंदर मांग रहे थे, तो वहां से बंदर लेके आए थे, तो बोले मुझे बंदर चाहिए बंदर चाहिए, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा अंजना माता का जो पुत्र है उसको लेके आओ। तो फिर ये इनके साथ रहे थे चारों भाइयों के साथ,
फिर बोलते हैं जब 5 साल के भगवान हुए तो वो जब गुरुकुल में चले गए तो ये इनको वापस भेज दिया गया अंजना मैया के पास, ठीक है, ये यहाँ बड़े हुए। तब यहाँ जो लिखा है ना ब्रैक्ट में कि उन्होंने बोला कि हे स्वामी, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद आपको देखा है, अभी अभी पढ़ा ना आपने, राइट, वर्षों के बाद आपको देखा वो वह भी तपस्वी के वेश में, क्योंकि तब तो बोला मैं भी छोटा था आप भी छोटे छोटे थे, अब आप जवान होके आए हो, तो लेकिन वो भी कैसे राजकुमार के वेश में तो नहीं हो ना, एक तपस्वी के वेश में हो, तो इसलिए मैंने नहीं आपको पहचाना, है ना, ये बोला जा रहा है ना। तो ये लाइक ऐसे वाल्मीकि या उसमें नहीं है, किसी और जगह पे लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने डाल दिया हनुमान प्रदा जी ने। तो अब कहते हैं तब माया बस फिरो बुलाना, बोले कि हम सब जो जीव है हम तो माया के बस में भूले फिरते हैं, इसीलिए मैं आपको भूल गया, आप कैसे मुझे भूल गए। और फिर बोलते हैं एक मैं मंद मोह बस, कि कहते हैं मैं तो मंद बुद्धि का हूं और मोह में पड़ा हूँ, मोह में मतलब देखते जानते भी नहीं पहचाना आपको, फिर कुटिल हृदय अज्ञान, और दूसरा क्या है, मैं मेरा हृदय भी कुटिल है तभी तो आपके साथ छल किया ना, नहीं तो ऐसे ब्राह्मण बन के नहीं आता, तो अज्ञानी हूं। तो कहते हैं पुनि प्रभु मोहे विसारे हो, बट आपने मुझे विसार दिया दीन बंधु भगवान, आपने कैसे मुझे विसार दिया, है ना। अब आगे वाला पढ़ते हैं, ये जो पंक्ति है ना तीसरी, तीसरी तक ही पढ़ेंगे, यहाँ पे सब खत्म हो जाती है ये स्तुति, तीसरी तक पहले पढ़ लेते हैं। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरण पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल में सींच कर शीतल किया। हाँ जी, तो वो अब हम देखते हैं कि बोलते हैं कि हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण है, सारे अपने अवगुण गिना दिए ना उन्होंने, उन्होंने बोला मेरे पास बहुत अवगुण अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति ना पड़े, कि सेवक तो ना भूले ना। तो बोले हे नाथ, जब जीव आपकी माया से मोहित है तो वो आपकी कृपा का निस्तार पा सकता है। बोले कि जीव तो माया से मोहित पड़े हैं हम सारे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो आपको हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ता पर मैं रघुवीर दोहाई जानू नहीं कुछ भजन उपाय। बोले कि फिर एक तो मैं कहते मैं दोहाई देखे, मैं अपने आप बता बोलता हूँ, आपको क्षमा मांगता हूँ, दोहाई देना, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि जानू नहीं कुछ भजन उपाय, मुझे ना कोई भजन आता है ना कोई योग आता है। पर फिर भी कहते हैं सेवक, अब रिश्ता जोड़ रहे हैं भगवान से, सेवक सुत पति मातु भरोसे, कहते हैं कि जो सेवक होता है वो अपने स्वामी के भरोसे, जो पुत्र होता है अपने पिता के भरोसे, पति मात जो पत्नी होती है वो पति के भरोसे एंड माता पिता के भरोसे पे कहते हैं रहते हैं, तो रहिए असोच, तो वो हमेशा असोच, मतलब उनको सोच नहीं करनी पड़ती, जिनके ऊपर माता पिता का है, जिनके ऊपर पति है, जिसके ऊपर स्वामी है, उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कहना मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो सोच रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं आ रही असोच बने प्रभु पर से, कहते अस कई परियो चरण अकुलाई, इस तरह से वो बहुत अकुला के, मतलब अकुलाना मतलब क्या हुआ इंग्लिश में उसको कैसे समझाएंगे, कि एकदम से वो परेशान से होके, नहीं परेशान भी नहीं होगा, अकुलाई का मतलब जब हम बहुत ही क्या बोलेंगे इसको, अकुलाई को क्या बोलेंगे कि बहुत बेचैन से होके, अकुलाई मतलब बेचैन होता है वैसे, है ना, एकदम बेचैन से होके वो भगवान के चरणों में पड़ गए एंड कहते हैं। तो फिर अब भगवान बोलेंगे, अब देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। फिर कहा, हे हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना।
तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। राइट और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी प्रभु भगवान का रूप है। राइट देखो भगवान क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अतप रघुपति उठाई और लावा। अब देखो उन्होंने रिमेम्बर अब अपना देह प्रकट कर दिया। जब तक हनुमान जी ने देह नहीं प्रकट किया था, ब्राह्मण बन के बैठे थे, तो भगवान उनको गले नहीं लगा पाए, है ना। तो जब उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया तो कहते हैं भगवान ने गले लगा के देखो निज लोचन जल सींच चढ़ा। अब आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे सुदामा के जब पैर धो रहे थे भगवान, तो क्या अपने अश्रुओं से ऐसे बोले, अश्रुओं से पैर धो रहे हैं भगवान। इसी तरह से हनुमान जी को भी अपने अश्रुओं से सींच रहे हैं कि प्लीज 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 दिल छोटा मत करो, दुख मत बनाओ। तो ऐसा पहले तो इससे ये बोला जाता है कि जब ये बोला गया ना, एक हूं मैं मद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, तो वहां पे भगवान ने बोला अच्छा पहले तो ये बोला था। किंकर जी महाराज जैसे समझाते हैं, पहले ये बोलते हैं कि भगवान ने कहा देखो मैंने तो इतनी सुंदर अपनी कथा सुनाई थी, हालांकि वो देखो दुखी थे, व्यथा थी उनके, पर उन्होंने वो नहीं सुनाया। तो बोले तुम तो अपनी बस व्यथा सुनाने लगे, अपनी कथा सुनाओ ना। तो हनुमान जी कहते हैं हम कथा तो आपकी है, हमारी तो व्यथा ही होती है जीव की, तो है ना। फिर भगवान कहते हैं ना कि अच्छा तूने बोला मैं मंद हूँ, फिर तुमने बोला मैं मोह के बस में हूँ, फिर तुमने बोला मैं कुटिल हृदय हूँ अज्ञानी हूँ। तो एक बात बता दे, इन सब में से सबसे बड़ा दुख किस चीज का है तुम्हें, इन सारी चीजों में से? तुम मंद बुद्धि को इसलिए दुख है, या मोह के बस में हो इसलिए दुख है, या कुटिल हो उसका दुख है, कि हृदय में अज्ञान है इसका दुख है? कुटिल हृदय वाले हो या अज्ञानी हो? तो हनुमान जी ने बोला सबसे बड़ा दुख बताओ मैं क्या है मुझे। बोले बोलो क्या है। बोले पुनि प्रभु मोहे विसारी, आपने मुझे भुला दिया। सबसे बड़ा दुख वो है कि आपने मुझे भुला दिया, ये कैसे कर दिया आपने, बाकी सब तो ठीक था। तो तभी तो वो कहते हैं ना हम जीव आपको भूल जाए, आपके माया में फंसे हुए हैं, आपने बुला दिया, यही सबसे बड़ा दुख है। यही तो यहाँ तो ऐसे होता है, वही सबसे बड़ी दुख की बात है, भगवान ना हमें भूले। तभी तभी वो कहते हैं ना ऐसे, या तो ये करो भगवान मैं आपको ना भूलूं, बट सबसे असली प्रार्थना ये है भगवान आप मुझे ना भूले, भगवान आप मुझे ना भूले, भगवान आप मुझे ना भूले, सबसे बड़ी स्तुति यही है ना। तो अब कहते हैं फिर उसके भगवान ने, हमने देखा कि भगवान कैसे उसको हृदय से लगा रहे हैं। तो कहते हैं अब बोलते हैं सुनी कपि जिए मानसी जिन जनी होना। तो कहते हैं दिल छोटा मत करो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। अच्छा इसको अभी डिटेल में बताते हैं, पर आगे वाली पहले कर लेते हैं। कहते हैं समदर्शी मोहे कर सबको, सेवक प्रिय अनंत गति हो, है ना। कहते तो अब बोलते हैं कि मुझे लोग सब समदर्शी बोलते हैं। आगे आएगा बाली, बाली कहेगा आप तो समदर्शी थे, आपने मुझे फिर क्यों मारा। तो वो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एक्चुअली बता रहे हैं बिफोर इवन ही गोज टू बाली, हमारे 9 के 29 में क्या बोलते हैं भगवान, समोहम सर्वभूतेषु, है ना, नामा ना नामे द्वेषस्ति ना प्रियः, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापे हम। वहां भी बोले थे ना कि वैसे तो मैं समोहम हूँ, समदर्शी हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त जिस तरह से मुझे भक्ता है मैं उसके पास जाता हूँ। एक एक भक्त शायद प्रेम से बज रहा है, एक कंस जैसा भक्त है जो द्वेष से बज रहा है, लेकिन मैं दोनों को ही प्राप्त होता हूँ, है ना। तो भगवान सबको ही अपना भक्त समझते हैं, चाहे वो द्वेष से बजे चाहे वो प्रेम से बजे, वो सबका कल्याण कर देते हैं, चाहे वो मार के करना पड़े चाहे वो प्रेम से करना पड़े, है ना। तो अब भगवान कहते हैं सो अनन्य जाके असी, लेकिन वो किसके हैं भगवान, किसके हैं बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं मैं किसका हूँ। बोलते हैं अरे हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और चराचर जड़ जड़ जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है ना। तो ये सोच के कि वो ये सोच के पूरे इस संसार की सेवा करता है कि मेरे भगवान है,
चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मतलब कुछ भी, वो 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा नहीं जिसके बारे में वो ये नहीं सोचता कि मेरे ये सब भगवान का विस्तार रूप है, वही तो विज्ञान है ना। तो वो बोलते हैं बाकी मेन तो अनन्य गति, जिसको सिर्फ मेरी गति है। देखो रिमेम्बर, भगवान ने जब कहा था मेरे चार प्रकार के भक्त हैं, है ना, जो जिज्ञासु हैं, जो कौन है, जो आर्त हैं, जो दुखी होके मेरे पास आते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो और कौन थे, अर्थार्थी हैं, इवन धन के लिए मेरे पास आते हैं, जो मुझको चाहते हैं, वो तो अलग ही है ना, ज्ञानी। तो लेकिन वो भगवान कहते हैं देखो, चाहे उसे धन चाहिए था तो भी मेरे पास आया ना, मेरे अपने माँ, अगर हमें कुछ चाहिए, जैसे बच्चे हैं उनको लैपटॉप चाहिए, अब उनको ये चाहिए, अब उनको ये चाहिए, किसके पास आते हैं, माँ बाप के पास ही तो आते हैं ना, और थोड़ी किसी तीसरे से जाके भीख मांगते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे हैं ना, चाहे वो मांगते हैं चीज मेरे पास आए हैं ना, किसी और से भीख तो नहीं मांग रहे। दूसरा, अगर उनको कोई, अगर हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा डे और नाइट इफ यू एवर नीड मी आई एम देयर, डोंट थिंक यू आर नॉट फार अवे, है ना। कोई कहाँ कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, को कहीं पढ़ रहा है, हम इतनी दूर बैठे हैं, माँ बाप फिर भी हमारे लिए सोचते रहते हैं, है ना। तो वो मतलब है उनका कि जो मुझे जिस प्रकार से बचता है, तुम चिंता मत करो, जो सिर्फ मेरे आश्रय पे है उसका तो मैं ध्यान रखूंगा ही। अब जो प्रश्न आता है कि उन्होंने जो बोला कि लक्ष्मण को, अरे तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो, सॉरी हनुमान जी को बोला है ना, तो फिर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कैसे बोल दिया भगवान ने, हनुमान जो सब कुछ, मतलब जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में बैठे हैं बचपन से ही, फिर भी उन्होंने ये कह दिया, अरे तुम्हें तो, कहते हैं एक बार ना अकेले में मिले हनुमान जी को एंड लक्ष्मण जी को, भगवान ने पूछा जब मैंने ये बात की, लक्ष्मण तुम्हें कैसे लगा, हनुमान को पूछा जब मैंने ये बात की तुम्हें कैसे लगा, तो लक्ष्मण जी तो पहले कहते हैं द मोमेंट यू सेड कि तुम्हें लक्ष्मण से भी प्यारा हूं, मैं समझ गया था ये कोई बहुत विशेष होंगे, है ना। तो बोले कि फिर धीरे धीरे सब सामने आता गया, हम सबके प्राण इस हनुमान जी ने बचाए हैं, पहले तो यहां से ही हम देखेंगे कि अपने कंधे से उठा के लेके जा रहे हैं, यहीं से उनको कुछ करने नहीं दिया, अभी ऋषि मुख पर्वत पे लेके जाएंगे, दोनों को कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। तो बोले मैंने उसी समय पहचान लिया कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं ब्रह्मांड को धारण करके बैठा हूँ, और मेरे भगवान है जिनके अंदर सब कुछ है, उन दोनों को उठा के कौन लेके जा रहा है, उन दोनों को उठाने वाले हनुमान जी। तो इसके इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये फिर हम सबके प्राण बारी बारी बचाए, माता सीता के हों, चाहे वो लक्ष्मण के हों, चाहे वो भरत के हों, एंड शत्रुघ्न तो कहे आप सबका बचाए तो मैं तो इनका ऋणी हूँ, तो बोलते हम सब इनके ऋणी हैं। एंड जब हनुमान जी को अकेले में पूछा गया तो हनुमान जी ने बोला मैं तो समझ गया आपको लक्ष्मण से ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं, कि जिस लक्ष्मण के सामने, जिसने सब कुछ आपके लिए किया, उसके सामने आप ये बोल रहे हो, दैट मीन आप और लक्ष्मण एक हो। और बोले उसका फिर मुझे परिणाम सामने मिला, जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो आप कैसे रो रहे थे, आप कह रहे थे अगर लक्ष्मण नहीं बचेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो हम, मैं भी था, भरत भी थे, माता सीता भी थी, माताएं भी थी, सारी दुनिया थी, बट आप ये कह रहे थे अगर लक्ष्मण नहीं बचेगा तो मैं नहीं बचूंगा, तो मुझे समझ आ गया था जे द मोमेंट यू सेड इट कि नहीं आपको लक्ष्मण से ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं। सो ये होता है समझने वाली बात, हमारे सामने कोई बोल दे तो हम उल्टा समझेंगे, है ना। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, कितना प्रिय 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 प्रसंग था, तो आज के लिए इतना ही, लास्ट वाला बोलते हैं। बार बार वर मांगूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंजय, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तो हमारे भगवान जी की ये कथा है, हनुमान जी से मिलाप हुआ है, एंड ये पिक्चर याद रखिएगा, कितना सुंदर है ना, ये भगवान जी को पहली बार मिले हैं, है ना। तो कृष्ण जी, ये एक हमारे, बात पूछ, एक कृष्ण जी, सवाल है मेरा। हाँ जी हाँ जी, जो किस आपने कहा कि ये किष्किंधा कांड, काशी काशी नाम है इसका, काशी गिरी,
काशीपुरी तो किष्किंधा तो जो मैंने पढ़ा था वो कर्नाटका में है, तो ये जो है नहीं उसका नहीं उसको नाम, एक नाम दिया गया है कि जी हाँ जी वो सचमुच में काशी नगरी नहीं है। हर अच्छा हर ऐसी तरह से तो, अयोध्या को तो अभी मैंने बोला ना, उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, किसी को माया नगरी बोला है, किसी को मथुरा बोला है। तो वो अपने आप से नाम जस दिया है, जो सात नगरियां पवित्र नगरियां हैं उन्होंने इस कांड को बोला है। वो नहीं है कि किष्किंधा इस काशी, वो नहीं है, उसका ये अच्छा मतलब नहीं है। नहीं, ठीक है, हाँ थैंक जी, यू। कृष्णा जी, हाँ जी, हनुमान जी को कहते हैं कि वो शिव जी का अंश थे, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ वाज ही बॉर्न, इफ ही वाज, पार्वती वाज नॉट द मदर दो, राइट, इट वाज समबडी एल्स। हाँ। वो तो उनको अंश अवतार नहीं, पहले तो पार्वती तो उनकी मदर हो नहीं सकती ना, जी तो वो हमारे अंश अवतार है, वो तो माता अंजना के थ्रू पैदा हुए हैं ना। जी भगवान तो जी कहीं से भी किसी भी माँ से, अब राम जी ने माँ कौशल्या के थ्रू अवतार लिया है ना, जो हमारे कृष्ण हैं वो देवकी के थ्रू अवतार लेते हैं, तो इसी तरह हमारे जो हनुमान जी हैं उनका अवतार माँ अंजना के थ्रू हुआ है। फिर उनके अच्छा जन्म जी की डिफरेंट डिफरेंट कथाएं हैं, है ना। तो वो तो आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि वो इट वॉज एट द बिहेस्ट ऑफ शिव जी कि ही वॉन्टेड हनुमान टू बी बोर्न दिस वे, राइट, उनका He himself अंश। is born. एक सेकंड, नहीं तो क्वेश्चन आंसर यही है कि वो खुद हनुमान जी बन के आए हैं ना, तो वो तो किसी तरीके से भी बन सकते हैं। रिमेम्बर, इवन राम जी का जन्म हुआ तो वो कौशल्या माँ कह रही है कि आप मेरे पेट में भी हो, आप बाहर भी हो, वो दिखता है ऐसे कि ये प्रेग्नेंट हुए ओ आई हैं, सी, अच्छा, समझ गए ना। तो ये तो अवतार है ना, वो ठीक है, दिखेगा ऐसे कि जी वो उनके पेट से जन्म हुए हैं, वो तो भगवान है, वो अंदर भी है बाहर भी है। मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल्स में बताऊंगी, इज दैट ओके? हाँ जी, वो इनको वायु पुत्र भी तो बोला गया है ना। हाँ, मैं सारी कहानी नेक्स्ट टाइम डिटेल अच्छा में ठीक बताती हूँ, मुझे ठीक एक्चुअली कहीं निकलना है, कहीं ओके जाना है, ओके ओके तो ओके, मैं याद से, आप फिर से वो याद दिला दीजिएगा, ताकि हाँ हम जी इवन बिफोर वी स्टार्ट द दोहे पहले वो कथा हनुमान जी की कर लेंगे, ठीक है ठीक है, ठीक थैंक है? यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, राइट, टुडे सॉरी, मुझे निकलना है, और राम राम, राम राम, राम राम, नारायण राम नारायण। राम, राम राम, 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 रा